तो हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज हमारे हार्डवेयर केयर मशीन का सर्विसिंग का टाइम हो चुका है, तो आज हम अपने हार्डवेयर केयर मशीन का सर्विसिंग करेंगे। दोस्तों अगर टाइम से सर्विसिंग नहीं करने पर एवरेज प्रॉब्लम आता है दोस्तों, मतलब कि अब टाइम से सर्विसिंग नहीं करते हैं तो डीजल बहुत ही खाता है और इंजन में प्रॉब्लम आता है, तो टाइम से सर्विसिंग कर देना चाहिए। तो चलिए हम अपने गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक लगे रहिए। ये दोस्तों यहाँ पे इंजन के नीचे जो चेक नट है उसको खोल चुके हैं हम लोग, और खोल के उसको जो कचरा वाला इंजन ऑयल था पुराना वाला उसको उस डब्बा में निकाल देंगे और इसी में नया इंजन ऑयल डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे मैकेनिक साहब जो हैं यहाँ पे पुराने इंजन ऑयल को निकाल रहे हैं डब्बा में, और ये भाई हमारे कंपनी का मैकेनिक हैं और इनका नाम अलाउद्दीन है, झारखंड के रहने वाले हैं। तो यही अभी हमारे गाड़ी का सर्विसिंग कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग को कैसे सर्विसिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए पुराने जो इंजन ऑयल है उसको हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कचरा वाला इंजन पूरा निकल चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमारे मिस्त्री साहब यहाँ पे जो है इंजन ऑयल का फिल्टर खोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इंजन ऑयल फिल्टर यहाँ पे खोल दिए, ये देखिए ये जो है इंजन ऑयल फिल्टर है, इंजन ऑयल का फिल्टर खुल चुका है। और यहाँ पे देखिए अब हमारे डीजल फिल्टर खुल रहा है। देखिए ये जो है ये है डीजल फिल्टर, और इसको भी खोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे मैकेनिक साहब इसको खोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे खोल दिए। इसमें देखिए डीजल कैसे है, इसको भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए डीजल फिल्टर जो है, जो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये है ग्लासी, इसको खोलना है। देखिए यहाँ पे हमारे मैकेनिक साहब खोल रहे हैं, इसका नाम ग्लासी है दोस्तों। अगर इसको हम लोग इसमें कचरा फंस जाता है, जो ग्लासी है इसमें कचरा फंस जाता है डीजल वाला है, अगर इसमें कचरा फंस जाता है तो हम लोग को जो गाड़ी है इंजन है वो एयर लेने लगता है और बंद हो जाता है। इसके लिए इसमें जो कचरा फंस जाता है उसको साफ करना होता है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे मैकेनिक साहब जो हैं इसको निकाल रहे हैं, और इसको निकाल कर यहाँ पे सफाई करेंगे, और यहाँ पे जो है ये इसको दूसरा लगाएंगे। ये देखिए यही है हम लोग का ग्लासेज, इसमें डीजल वाला है, इसमें देखिए कचरा बैठ गया है कैसे, यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों इसको देखिए जो है कचरा बैठा था, तो हम लोग इसको सफाई करके अब से फिर से लगा रहे हैं, नहीं तो इसमें नया भी लगा सकते हैं आप लोग। तो हम लोग अभी थोड़ा अच्छा है इसके लिए इसका कचरा सफाई करके इसी को हम लोग फिर रिटर्न लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो मैकेनिक साहब हैं ये लगा रहे हैं यहाँ पे, और इसको लगा कर फिर से इसको वापस यहीं पे टाइट कर देना है, और यहाँ पे टाइट कर देना है, और देखिए यहाँ पे टाइट हो गया। और यहाँ पे टाइट करके यहाँ पे देखिए, और देखिए वहाँ पे जो दोस्तों जो ग्लासी है इसको खोलने से पहले वहाँ पे देख रहे हैं जो मैकेनिक साहब जो हमारे वहाँ पे कस रहे हैं उसको बंद कर देना है, नहीं तो हम लोग का डीजल गिरने लगता है। और देखिए यहाँ पे ग्लासी लगा के टाइट करके इसमें थोड़ा पंप मार देना है, पंपिंग कर देना है। और ये देखिए अब लगा रहे हैं हम लोग डीजल फिल्टर। यहाँ पे देखिए नए वाला जो डीजल फिल्टर है वो हमारे मैकेनिक साहब निकाल रहे हैं, और इसको यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको पीछे दिखाया था कि वो जो पुराना वाला डीजल फिल्टर था उसको उसमें थोड़ा कचरा बैठ गया था, इसके निकाल कर यहाँ पे देखिए नए वाला कस रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नए वाला थोड़ा लगा कर टाइट करके उसमें थोड़ा पंप मार देना है। देखिए इसमें पंप मार देने से जो हम लोग का गाड़ी है वो चालू करने से चालू हो जाएगा, और पंप नहीं मारेगा तो डीजल उसमें पास नहीं होगा तो थोड़ा एयर लेने लगता है, मतलब गाड़ी हम लोग का स्टार्ट थोड़ा नहीं होता है। तो पंप मार देना है पहले, और यहाँ पर टाइट कर देना है खूब अच्छे से। यहाँ पर देखिए कैसे टाइट कर रहे हैं, हाथ से टाइट करके फिर उसके बाद बेल्ट से टाइट कर देना है, और यहाँ पे पंप मार देना है। अब जो यहाँ पे जो देख रहे हैं फिल्टर हाथ में जो ये है हम लोग का इंजन ऑयल फिल्टर, इसमें पहले इंजन ऑयल को उसमें पूरा फुल कर देना है। देखिए यहाँ पे इंजन ऑयल को फुल करके उसके बाद वहाँ पे हम लोग टाइट करेंगे। तो देखिए हम लोग का इंजन ऑयल फुल हो गया इसमें, और चलिए अब इसको हम लोग टाइट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे टाइट हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे टाइट कर देना है, और अच्छे से यहाँ पे देखिए बेल्ट लगा कर टाइट करना है।
ये लीजिए अच्छे से टाइट हो गया। और चलेंगे अब हम लोग, चलेंगे डालने के लिए इंजन ऑयल। इंजन ऑयल को डालने से पहले ये जो देख रहे हैं चेक नट है, इसको टाइट कर देना है, नहीं तो ऊपर से हम लोग इंजन ऑयल डालेंगे तो यहाँ से गिरने लगेगा। तो सबसे पहले जो चेक नट है इसको फुल टाइट कर देना है, और फुल टाइट कर हम लोग को इंजन ऑयल डालना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे पाना से पहले फुल टाइट इसको करना है। और देखिए यहाँ पे हमारे मैकेनिक साहब जो है यहाँ पे पाना लगाकर पहले इसको फुल टाइट कर देंगे, और इसको फुल टाइट करने के बाद हम लोग इसमें इंजन ऑयल डालेंगे। फुल टाइट कर यहाँ पे ऊपर जो ढक्कन है उसको खोल के वो जो छोटा सा होल दिख रहा है उसी में इंजन ऑयल डालना है। यहाँ पे देखिए इसमें डालने के लिए यहाँ पे पहले डब्बा लगा देंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर से डालने के लिए वहाँ पे जगह थोड़ी कम है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बोतल काट के डब्बा लगा, और ये देखिए हम लोग बॉकेट में इंजन ऑयल लेकर आए हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग डालेंगे कैसे, इसको थोड़ा डालने में तकलीफ होगा थोड़ा। यहाँ पे देखिए जगह कम पड़ रहा है इंजन लाइन डालने के लिए, तो छोटा सा बोतल काट कर उसी में हम लोग डालेंगे। इसमें हम लोग को 8 लीटर आएगा इंजन ऑयल, और डालना है हम लोग को ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे 8 लीटर। यहाँ पे देखिए चलिए अब इंजन ऑयल को हम डाल दिए हैं, और चलते हैं अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे जो थोड़ा सा एयर ले रहा था तो यहाँ पे देखिए मैकेनिक साहब जो है पंप मार दिए, और यहाँ पे देखिए अब हम लोग का गाड़ी का जो आयल पानी था वो सर्विसिंग कर दिए हैं। तो गाड़ी का टाइम से सर्विसिंग करना चाहिए दोस्तों।